एक तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को वी विगनराजन ने डायरेक्ट किया है। अब क्योंकि ये फिल्म अभी काफी न्यू है तो इसके रेटिंग्स वगैरह फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो मैं यहाँ रेटिंग्स की बातें नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर अंधकारम मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म में दिखाए कैरेक्टर्स को याद रखते हुए एक्सप्लेनेशन को पेशेंटली पूरा सुनेंगे तो आपको एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मूवी के कहानी के बारे में बताऊं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म में तीन प्लॉट्स हैं जो कि तीन डिफरेंट टाइमलाइंस में फंक्शन करती है। तो मूवी को सिंपलीफाई करने के लिए मैं आपको ये तीनों प्लॉट सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा और इनका एक दूसरे से कनेक्शन आपको एंड तक अपने आप ही पता चल जाएगा। तो मूवी का पहला प्लॉट तकरीबन 8 महीने पहले के इंसिडेंट को दिखाता है और इसमें हम सिल्वम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड था, यानी कि वो आंखों से नहीं देख सकता था और वो एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में एज ए क्लर्क काम करता था। सिल्वम के किडनी में प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सिल्वम अकेला था और वो अपने पिता के घर में रहता था जो कि काफी पुराना था, लेकिन दोस्तों उस घर का यानी कि उस प्रॉपर्टी का मार्केट में काफी वैल्यू था। हमें यह भी पता चलता है कि सिल्वम एक मीडियम था, यानी कि वो स्पिरिट से बात कर सकता था और वो उनको पीस दिलाने में मदद करता था। ये स्किल उसे अपने पिता से मिली थी जो खुद तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। एनीवे, सिल्वम अपने बोर्ड्स क्लियर करना चाहता था और एक टीचर से पढ़ता भी था, बट वो 3 बार ट्राई करके भी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाता था। एग्जाम के समय उसकी टीचर पूजा उसे हेल्प करने के लिए कहती है, बट वो बेमानी से इनकार कर देता है। यहाँ पूजा और सिल्वम के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि पूजा ने अपने पिता को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं था, और पूजा खुद को इस बात का जिम्मेदार मानती थी क्योंकि उस दिन वो लेट हो गई थी और अपने पिता को बिना हेलमेट एडजस्ट करने बोल दी थी। एनीवेज, पैसे का जुगाड़ करने के लिए सिल्वम अपने पिता के कुछ पुराने नोट्स जिसमें उन्होंने स्पिरिट्स वगैरह के बारे में लिखा था उन्हें लेकर एक पब्लिशर के पास जाता है, लेकिन पब्लिशर कहता है कि आज के जमाने में ऐसी चीजें पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बातों बातों में सिल्वम उस पब्लिशर से अपने घर के बारे में बात करता है और वो पब्लिशर जो रियल स्टेट का काम भी करता था वो सिल्वम के घर में इंटरेस्ट दिखाता है। उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान वो पब्लिशर सिल्वम को एक हॉन्टेड जगह के बारे में बताता है जहाँ का ओनर वहाँ काम करवाना चाहता था बट स्पिरिट्स की वजह से काम रुक गया था। इतना ही नहीं, जिसने भी वहां से स्पिरिट्स को हटाने की कोशिश की थी वो जिंदा नहीं बचा था। सिल्वम 1 लाख रुपए के लिए खुद उस जगह को क्लींस करने के लिए जाता है और एक स्पिरिट को कैप्चर करने के बाद रियलाइज करता है कि वहां एक और वेंजफुल स्पिरिट है। सिल्वम वहां से बाल बाल बचता है और कहता है कि वो तैयारी करके दोबारा वहां आएगा। इसी बीच सिल्वम ने लाइब्रेरी में जो तंत्र मंत्र की कुछ बुक्स छिपा रखी थी उनमें से एक बुक को कोई लाइब्रेरी से ले गया था, जिससे सिल्वम परेशान हो जाता है। उस हॉन्टेड जगह से आने के बाद सिल्वम को एक ग्रीन बॉटल चेंज करता है, जिससे पहले तो सिल्वम भागता है पर जब उसे एक स्पिरिट से पता चलता है कि वो बॉटल उसकी मदद करेगा तो वो तैयारी करता है ताकि वो उस हॉन्टेड जगह को पूरी तरह क्लींस कर सके। सिल्वम को उसके पिता के दोस्त इसमें पढ़ने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसी की वजह से सिल्वम के पिता मारे गए थे, लेकिन सिल्वम पूरी तैयारी करके उस जगह पे फिर से जाता है और वो स्पिरिट को कैप्चर कर लेता है। उस जगह को क्लींस करने के बाद सिल्वम उस पब्लिशर को कॉल करता है जो कि उस समय सिल्वम के घर को इंस्पेक्ट करने आया था। सिल्वम जो कि अपने पिता के फ्रेंड के थिएटर में था, वो उन्हें थिएटर में ना पाकर कॉल करता है और वो बताते हैं कि सिल्वम को उस बॉटल को 24 मिनट में ही बड़ी करना होगा। सिल्वम ऐसा करने जाता है लेकिन तभी वहां पब्लिशर के भेजे हुए कुछ गुंडे आते हैं जो कि सिल्वम के फिंगरप्रिंट्स चाहते थे ताकि पब्लिशर को सिल्वम का घर मिल सके। वो गुंडे सिल्वम को बुरी तरह मार देते हैं और उसकी आइडेंटिटी ले जाते हैं अलॉन्ग विद हिज फिंगरप्रिंट्स। रात को सिल्वम के पिता के फ्रेंड को उसकी बॉडी मिलती है जो कि पुलिस को आगाह करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते थे बिकॉज ऑफ हिज लिंक टू तांत्रिक विद्या, वो पुलिस को नहीं बताते कि वो बॉडी किसकी है और बिना आइडेंटिटी के पुलिस वेरीफाई नहीं कर पाते। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस के पास पूजा आती है और उसके साथ एक और विजुअली इम्पेयर्ड आदमी होता है जो सिल्वम का दोस्त था और वो दोनों सिल्वम की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे। डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद पुलिस सिल्वम के डेड बॉडी के पिक्चर्स पूजा को दिखाते हैं और पूजा आइडेंटिफाई करती है कि वही सिल्वम है। पूजा को फोटो में ब्रेल स्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा मिलता है जो कि सिल्वम ने मरते वक्त लिखा था और वो सिल्वम के घर जाती है। वहां उस पब्लिशर की कंपनी का प्लेट लगा हुआ था एंड अंदर पूजा को कुछ कैसेट्स मिलते हैं। उसमें से पूजा उस कैसेट को निकालती है जिसमें वही नंबर लिखा था और कैसेट में पूजा को एक रिकॉर्डिंग मिलती है। इस रिकॉर्डिंग में सिल्वम पूजा के फादर के स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करता है और पूजा के फादर कहते हैं कि उनके मौत में पूजा की कोई गलती नहीं थी, जिससे सुनकर पूजा का गिल्ट कम होता है।
पूजा को अब शक होता है कि सेल्वम को मारने में पब्लिशर का हाथ था और वो पब्लिशर को क्वेश्चन भी करती है इन हिज ऑफिस, पर वो पूजा को वहां से निकाल देता है। पूजा दोबारा सेल्वम के घर जाकर वो कैसेट्स और उसका फोन लेकर जाती है, पर तभी वो फोन रिंग होता है, विच वॉज वियर्ड क्योंकि फोन तो कनेक्टेड ही नहीं था। फोन पर सेल्वम की स्पिरिट होती है और पूजा सेल्वम से उसके डेथ के बारे में बात करती है। इसके बाद सेल्वम की स्पिरिट के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, मूवी के दूसरे प्लॉट की शुरुआत डॉक्टर इंद्र नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस से होती है, जहां उनका एक पेशेंट अचानक से घुस आता है और वो डॉक्टर इंद्रन को शूट करने के बाद खुद को भी शूट कर देता है। अब दोस्तों, ये वही जगह है जिसे सेल्वम ने क्लिंज किया था, यानी कि ये इंसिडेंट सेल्वम के उस जगह को क्लिंज करने से पहले हुआ था। एनीवेज, इस इंसिडेंट से डॉक्टर इंद्रन बच तो जाते हैं, पर वो कोमा में चले जाते हैं और कई दिनों बाद जब वो होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोली की वजह से उन्होंने अपना वॉइस बॉक्स खो दिया है। इतना ही नहीं, उनके पेशेंट ने उन्हें शूट करने से पहले डॉक्टर इंद्रन के घर जाकर उनके पूरे फैमिली को भी मार दिया था। डॉक्टर इंद्रन ये सब जानकर टूट जाते हैं और दो और इतने दिन कोमे में रहने के कारण उनसे उनका मेडिकल लाइसेंस और क्लिनिक भी ले लिया गया था क्योंकि ही वॉज नॉट फिट इनफ। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर इंद्रन के क्लिनिक को एक दूसरे ओनर ने खरीद लिया, तब उन्हें उस जगह में हॉन्टिंग का एहसास हुआ जिसके लिए सेल्वम को बुलाया गया था। ये तीनों प्लॉट्स कई जगहों पर ओवरलैप करते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स को ध्यान से सुनते रहेंगे तो कहानी क्लियर ही रहेगी। खैर, क्योंकि डॉक्टर इंद्रन का वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ डैमेज, उनको एक डिवाइस दिया जाता है जिससे वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो मेडिकल काउंसिल के मना करने के बाद भी कुछ समय बाद अपने पुराने पेशेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें ट्रीट करना शुरू करते हैं। ये सब वो छुप कर करते हैं ताकि उनके फ्रेंड और काउंसिल को पता ना चले और द्वारा उनके पेशेंट्स में काफी तेजी से इंप्रूवमेंट्स नजर आते हैं। डॉक्टर इंद्रन के जो पेशेंट्स थे उनमें से एक का नाम प्रदीप था और उसकी देखभाल उसकी बहन पूजा करती थी जो कि सेल्वम की टीचर हुआ करती थी। यानी प्लॉट का ये पार्ट सेल्वम के डेथ के बाद का है। खैर, प्रदीप का एक फ्रेंड भी होता है जो उसे विजिट करने आता है और इसका नाम विनोद होता है। और दोस्तों, मूवी का तीसरा और आखिरी प्लॉट विनोद के ऊपर ही बेस्ड है। एनीवेज, विनोद एक बार प्रदीप को विजिट करने आता है और वो प्रदीप के सामान में से एक वियर्ड बुक निकालता है जिसे विनोद ने ही प्रदीप को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। विनोद इस बुक में से अपना बर्थडे मैसेज निकाल देता है ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये बुक विनोद ने ही प्रदीप को दिया था। बट विनोद ने ऐसा क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, जब विनोद मुड़ता है तो प्रदीप उसके सामने खड़ा होता है, जो कि स्ट्रेंज था क्योंकि प्रदीप तो खुद से मूव ही नहीं कर पाता था। यहां मैं आपको बता दूं कि जो बुक हम विनोद के हाथ में देखते हैं ये वही बुक है जो सेल्वम के लाइब्रेरी में से गायब हुई थी। धीरे धीरे डॉक्टर इंद्रन के सारे पेशेंट्स अचानक से इंप्रूवमेंट दिखाते हैं और ये बात डॉक्टर इंद्रन के फ्रेंड को पता चल जाती है जो कि डॉक्टर इंद्रन का पीछा कर रहे थे। वो रियलाइज करते हैं कि डॉक्टर इंद्रन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज कर दिया है और यहां तक कि डॉक्टर इंद्रन ने अपने डॉक्टर जो कि उनकी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे उन्हें भी हिप्नोटाइज कर रखा है। डॉक्टर इंद्रन का डॉक्टर जो हिप्नोटाइज था वो डॉक्टर इंद्रन के फ्रेंड को मारकर खुद को भी मार देते हैं और डॉक्टर इंद्रन के सारे पेशेंट्स भी खुद को मार देते हैं इंक्लूडिंग प्रदीप। अब इसके बाद डॉक्टर इंद्रन के साथ क्या होगा वो हमें इस वीडियो के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। सो मूवी का फाइनल और आखिरी प्लॉट विनोद की स्टोरी को दिखाता है जो कि एक क्रिकेट कोच था और उसके घर में सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस होते हैं जिससे वो परेशान होता है। ये सब उसके घर में तब शुरू होता है जब टेलीफोन कंपनी उसके घर के फोन को रिपेयर करने के बाद उसके घर में एक पुराना फोन रिप्लेस कर देते हैं। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्लॉट तब स्टार्ट होता है जब प्रदीप जिंदा था और डॉक्टर इंद्रन के ट्रीटमेंट के अंदर था। एनीवेज, विनोद का सेलफोन खराब हो गया था और वो सिर्फ लैंडलाइन यूज करता था। अब क्योंकि विनोद की गर्लफ्रेंड मानसी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती थी तो वो उसे चिढ़ी चिढ़ी रहती थी। विनोद दिन प्रतिदिन डिस्टेंट होता जाता है और ये बात भी मानसी को पसंद नहीं थी। विनोद को घर में आवाजें सुनाई देती रहती है और एक बार ये सब मानसी के प्रेजेंस में विनोद के साथ होता है और मानसी विनोद का बिहेवियर देखकर वहां से चली जाती है। असल में विनोद वॉज फीलिंग गिल्टी कि उसने प्रदीप को वो अजीब सी किताब दी जिसमें प्रदीप ने कुछ तो ऐसा देखा है जिससे उसका दिमागी संतुलन खराब हुआ। मानसी विनोद को साइकियाट्रिक हेल्प लेने के लिए सजेस्ट करती है ताकि विनोद इस बात को भुला सके और विनोद डॉक्टर इंद्रन को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेता है जिन्हें विनोद ने पहली बार प्रदीप के घर पर देखा था। जब विनोद अपना बात ले रहा होता है तो उसे एक कॉल आता है और कॉल पर विनोद को प्रदीप की आवाज आती है जो कि विनोद से कहता है कि उसे वो किताब नहीं देनी चाहिए थी और अब विनोद भी नहीं बचेगा। ये सब सुनकर विनोद डर जाता है। दिन में कोचिंग खत्म करने के बाद शाम को जब विनोद घर आता है तो उसे पूजा का कॉल आता है जो बताती है कि प्रदीप ने खुद को मार दिया। पूजा कहती है कि ये सब दिन के 10:15 को हुआ था और ये सुनकर विनोद परेशान हो जाता है क्योंकि उसे प्रदीप का कॉल 11 बजे आया था, यानी कि विनोद को प्रदीप के स्पिरिट ने कॉल किया था। विनोद प्रदीप के सभी कॉन्टैक्ट्स को फोन करके ये न्यूज देता है और एग्जैक्टली रात के 8 बजे जब उसका डॉक्टर इंद्रन के साथ अपॉइंटमेंट था तब वो एक कॉल लगाता है जिसमें रिसीवर विनोद से कहता है कि विनोद ने प्रदीप को वो बुक देकर उसकी जान को खतरे में डाला।
ये बात सुनकर विनोद डर जाता है और तभी वहाँ मानसी आती है जो वहाँ डॉक्टर इंद्रन से मिलने आई थी ताकि वो विनोद की तबीयत के बारे में उनसे बात कर सके। पर डॉक्टर इंद्रन वहाँ कभी आते ही नहीं और मानसी को लगता है कि शायद विनोद ने ही अपॉइंटमेंट लिया नहीं होगा। मानसी और विनोद बाहर जाते हैं जहाँ विनोद उसे प्रदीप के कॉल के बारे में बताता है। विनोद मानसी को वो नंबर बताता है जिसमें उसने उस स्ट्रेंज आदमी से बात की थी पर फोन कनेक्ट ही नहीं होता। विनोद को बार बार उस आदमी का कॉल आने लगता है और फाइनली वो उस नंबर को ट्रेस करता है जिसका एड्रेस असल में एक घर का होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सेल्वम का घर था। जी हाँ दोस्तों, विनोद उस घर को चेक करता है पर वहां कोई नहीं होता। वो वापस एक पब्लिक फोन बूथ में जाकर मानसी को कॉल करता है और उसे उस नंबर पे 7 मिनट बाद कॉल करने कहता है। विनोद दोबारा उस घर के पास जाता है पर उसे किसी फोन की रिंग सुनाई नहीं देती और जब वो मानसी से पूछता है तो वो बताती है कि उसने उस नंबर पे कॉल किया था और किसी ने फोन पर कहा कि विनोद की जान खतरे में है। विनोद के घर में उस आदमी का कॉल आता रहता है और उसके घर में सुपरनेचुरल ऑकरेंसेज होते रहते हैं जिससे विनोद के माइंड पर असर पड़ने लगता है। उस आदमी को विनोद की सारी हरकतों के बारे में पता रहता है, इंक्लूडिंग ये कि विनोद सेल्वम के घर गया था। वो विनोद को टॉन्ट करता है कि ही इज अ कावर्ड एंड अल्टीमेटली वो विनोद को मारना चाहता था। विनोद अब ये सोचकर कंफ्यूज होने लगता है कि जो सब उसके साथ हो रहा है वो रियलिटी थी या फिर ये सब सिर्फ उसके दिमाग के ट्रिक्स है। इस बात को टेस्ट करने के लिए वो एक कार्ड लेता है, उसके साथ पिक्चर खींचता है जिसे वो मानसी को भेज देता है। मीनवाइल वो उस घर को छोड़ना चाहता है और न्यू टेनेंट्स ढूंढने लगता है। जब नेक्स्ट टाइम विनोद उस आदमी से बात करता है तो वो उससे प्रूफ मांगता है, यानी कि क्या सच में विनोद के साथ जो हो रहा था वो सब वो कॉलर कर रहा था या फिर उसके माइंड के ये सब ट्रिक्स हैं। वो कॉलर विनोद को उसका कार्ड चेक करने बोलता है और विनोद देखता है कि उस कार्ड में जोकर बना हुआ था जबकि उसने जिस कार्ड की फोटो ली थी वो 8 of spades था। विनोद मानसी से रीचेक करवाता है और वो भी बताती है कि उसके पास जो फोटो है उसमें जोकर है। विनोद अपने कार्ड्स के स्टैक्स को चेक करता है और 8 of spades उसी में होता है। जब विनोद उसे उठाकर पलटता है तो उसमें भी जोकर बन जाता है। विनोद डर जाता है और देखता है कि फोन अपने आप डायल हो रहा है। विनोद रिसीवर उठाकर बात करता है तो उसे किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है जिसका नाम मनोज होता है और विनोद उसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन जब वो मनोज से मिलता है तो मनोज बताता है कि वो सेल्वम का दोस्त है और जिस नंबर के ओनर को विनोद ढूंढ रहा है वो सेल्वम का हुआ करता था। मनोज कंफर्म करता है कि जिस घर में विनोद गया था वहां सेल्वम रहता था और उसकी मौत 8 महीने पहले हो चुकी है। विनोद सेल्वम के नंबर को ट्राई करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। घर में आकर विनोद कैमरा वगैरह सेटअप करता है ताकि अगर घर में कोई एक्टिविटी हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि वो अब उस कॉलर के मोटिव को जानना चाहता था और उसे लगता है कि कॉलर सेल्वम ही है जिसका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन घर में जो कुछ भी होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता और विनोद फ्रस्ट्रेट होता है। वो कॉलर कॉल करके विनोद को टॉन्ट करता है और विनोद अपना टेंपर खो देता है। अगले दिन विनोद उस घर से जाने की कोशिश करता है पर वो घर में ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद वो पूजा को फोन करके बुलाता है। विनोद जब अपने की को उठाने जाता है तो वो अपने आप मूव करने लगता है और विनोद नोटिस करता है कि उसमें जो डाइस था वो रोल हो रहा था। विनोद इन नंबर्स को नोट करने के बाद रियलाइज करता है कि ये नंबर तो उसके फोन का है। वो अपने फोन के नंबर स्लिप को निकालता है, उसके पीछे जो नंबर लिखा होता है वो सेल्वम का नंबर था। तभी वहां पूजा आती है और वो विनोद को अनलॉक करती है। विनोद पूजा के फोन से सेल्वम के नंबर को कॉल करता है और वो पूजा के फोन में वो नंबर सेफ देखता है। यहाँ पूजा बताती है कि सेल्वम उसका स्टूडेंट हुआ करता था जिसकी 8 महीने पहले मौत हो चुकी है। जब विनोद उस नंबर को कॉल करता है तो उसके घर का टेलीफोन बजता है और विनोद गुस्से में घर के अंदर ये जानने के लिए जाता है कि सेल्वम उसे परेशान क्यों कर रहा है। लेकिन पूजा के फोन पर अचानक सेल्वम की स्पिरिट आंसर करती है और वो बताता है कि विनोद की जान खतरे में है। Meanwhile, विनोद फोन को तोड़ देता है पर जब पूजा उसे बताती है कि सेल्वम उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई और है जो विनोद को मारना चाहता है तो वो दोनों फोन को रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। असल में वो फोन एक मीडियम था और उसी के जरिए डेड लिविंग से बात कर सकते थे। इसी फोन की मदद से ही सेल्वम स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करता था। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर इंद्रन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करके मारा था और कैसे प्रदीप के डेथ के समय डॉक्टर इंद्रन विनोद से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे। लेकिन प्रदीप की बॉडी डॉक्टर इंद्रन पे आ गिरती है और वहां वो भी मारे जाते हैं, इसीलिए वो विनोद के घर नहीं आ पाते हैं। दूसरी तरफ अब विनोद को लगने लगता है कि वो कॉलर प्रदीप की स्पिरिट थी जो कि विनोद से इस बात का बदला लेने आई है कि विनोद ने वो किताब प्रदीप को गिफ्ट क्यों की। विनोद अब जाकर डॉक्टर इंद्रन को गूगल करता है ताकि वो पता कर सके कि शायद उनके पास उनके पेशेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, पर वो इंटरनेट में न्यूज देखता है कि डॉक्टर इंद्रन ने ही अपने पेशेंट्स को मरवाया था और तो और वो खुद भी मर चुके हैं। खैर जब फोन कुछ हद तक रिपेयर हो जाता है और रिंग करता है तो विनोद उसे लेकर भागता है और एक ब्रिज के पास आता है। विनोद को पता लग चुका था कि वो कॉलर डॉक्टर इंद्रन की स्पिरिट थी और कॉल उठाने पर डॉक्टर इंद्रन विनोद को ब्रिज से कूदने के लिए कहते हैं। डॉक्टर इंद्रन की स्पिरिट रिवील करती है कि जब उनके पेशेंट ने उन्हें शूट किया था तो वो बच तो गए पर उनका सब कुछ चला गया और इसीलिए वो सभी मेंटली इन लोगों को इस दुनिया से हटाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए हार्मफुल है।
इसीलिए उन्होंने अपने सारे पेशेंट्स को मरवाया। लेकिन दोस्तों जिस पेशेंट ने उन्हें शूट किया था उसकी स्पिरिट उनके क्लिनिक में ट्रैप्ड थी और सेल्वम ने वहां जाकर उस स्पिरिट को क्लींस किया था। इसके ठीक बाद थिएटर में जब गुंडे सेल्वम को मारते हैं तो वो स्पिरिट वाली बॉटल तोड़ देते हैं, जिससे वो वेंजफुल स्पिरिट प्रदीप के पास जा पहुंचती है और उसे पजस कर लेती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनोद ने प्रदीप को जो बुक दी थी इट वॉज अबाउट तांत्रिक स्टडीज और उस समय प्रदीप उस बुक से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो उसे पजस करना आसान था। अब डॉक्टर इंद्र ने अपने पेशेंट्स को तो मार दिया पर क्योंकि प्रदीप को वो वेंजफुल स्पिरिट पजस कर रही थी तो उसने भी मौका पाकर डॉक्टर इंद्रन को मार दिया। डॉक्टर इंद्रन विनोद के पीछे इसलिए आए थे क्योंकि विनोद उनका लास्ट अपॉइंटमेंट था और वो उसे भी खत्म करना चाहते थे। लेकिन जब सेल्वम की स्पिरिट को यह पता लगा तो वो डॉक्टर इंद्रन को अपोज करने लगा और विनोद को बचाता रहा क्योंकि वो बुक तो सेल्वम की ही थी एंड ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग और वो विनोद ही था जिसने लाइब्रेरी से सेल्वम की किताब ली थी। तभी अचानक सेल्वम की स्पिरिट विनोद की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और वो डॉक्टर इंद्रन को विनोद से दूर जाने के लिए कहती है। वो फोन को डिसमेंटल यानी तोड़ देता है जिससे डॉक्टर इंद्रन और वो दोनों लिविंग वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाए। सेल्वम ये भी कहता है कि क्योंकि डॉक्टर इंद्रन ने विनोद को मैनिपुलेट करना चाहा, उसे डराया, तो विनोद जो लेजी लथार्जी को डिप्रेस था वो फाइट करना सीख गया है और एंड में विनोद स्टूड अप अगेंस्ट डॉक्टर इंद्रन। ये कहकर सीन शिफ्ट हो जाती है और हम उसे एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे पूजा ने सेल्वम के फोन के थ्रू सेल्वम से बात करके पब्लिशर के बारे में बताया था और सेल्वम ने फोन के ही थ्रू पब्लिशर के ऑफिस में ही उसे मारकर अपना घर बिकने से बचा लिया था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अंधकारम मूवी की कहानी और अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। इस मूवी में मुझे एक प्लॉट होल नजर आया स्पेशली रिगार्डिंग डॉक्टर इंद्रन। एक सीन में जब विनोद प्रदीप के बुक से अपना बर्थडे मैसेज और नाम हटा देता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो किताब विनोद ने प्रदीप को दी थी, तो डॉक्टर इंद्रन जब प्रदीप को चेक करने आते हैं तो वो उस बुक को चेक करके मैलिग्नसली स्माइल करते हैं। पहले तो इस सीन में डॉक्टर इंद्रन वॉज अलाइव और तब उन्हें ना सेल्वम ना ही प्रदीप को पजेस कर रही स्पिरिट के बारे में कुछ पता था, तो आखिर उन्हें उस पर्टिकुलर बुक का नॉलेज कैसे मिला? और अगर वो स्पिरिट प्रदीप को पजेस कर रही थी तो उसने डॉक्टर इंद्रन को प्रदीप को हिप्नोटाइज करने कैसे दिया? उसने डॉक्टर इंद्रन पे पहले अटैक क्यों नहीं किया? हाँ, ये हो सकता है कि डॉक्टर इंद्रन को प्रदीप से इसके बारे में जानकारी मिली होगी लेकिन ऐसा होते फिल्म में दिखाया नहीं गया है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्रदीप से रिलेटेड एक और बात यह है कि जब वो पजेस हुआ था तो उसने राइट हैंड से ब्रेल स्क्रिप्ट में सेल्वम का नाम लिखा था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये उसे सेल्वम की स्पिरिट करवा रही थी जो कि उसे बचाना चाहती थी, लेकिन फिर प्रदीप का लेफ्ट प्रदीप के राइट हैंड को स्टैब करता है विच सिंबलाइजेस कि इविल स्पिरिट इस मुठभेड़ में जीत गई। रही बात फिल्म की तो इस फिल्म के तीनों प्लॉट्स को आपस में ऐसे बुना गया है कि ये फिल्म देखते वक्त काफी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन अगर आप इन तीनों प्लॉट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कहानी सिंपल सी है। ऐसा ही कुछ हमने कन्नड़ा मूवी रंगी तरंगा के साथ भी देखा था और इसे हम एक इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं। फिल्म को समझने के लिए कैरेक्टर्स को समझना जरूरी होता है और फिल्म के आखिरी कुछ मिनटों में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये फिल्म काफी बढ़िया है और आप लोग इसे बिल्कुल एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज थी जो मुझे पसंद नहीं आई और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियोस में बातें कर रखी है। इस मूवी में काफी सारे मूवीज की तरह ये दिखाया गया है कि अगर कोई साइकोलॉजिकली इल है तो वो इविल काम करता है, जैसे कि डॉक्टर इंद्रन का पेशेंट जो डॉक्टर इंद्रन को शूट किया और खुद को मारने के बाद एक मैलिशियस स्पिरिट बन गया। इस मूवी में डिप्रेशन को भी एक हार्मफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, जैसे कि डिप्रेस्ड लोग लेजी या लथार्जिक होते हैं, उनके पास कोई पर्पस नहीं होता। मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे समाज में स्टीरियोटाइप्स कम नहीं है तो ऐसी चीजों को केयरफुली पोर्ट्रेट करना चाहिए विद सेंसिटिविटी। किसी कैरेक्टर को मेंटली अनस्टेबल बताकर उससे नेगेटिव काम करवाना इज इजी राइटिंग और फिल्म मेकर्स बार बार इसी थीम का सहारा लेते हैं विच इज हार्मफुल। मूवी के एंड में जब डॉक्टर इंद्रन कहते हैं कि साइकोलॉजिकली इल सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो उसको काउंटर करते हुए कुछ कहा भी नहीं जाता, इट्स जस्ट लेफ्ट हैंगिंग देयर। सो इस एक पोर्ट्रेयल को छोड़कर फिल्म की बाकी चीजें काफी बढ़िया है और ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, विच इज अ गुड थिंग। तो दोस्तों ये थी अंधकारम मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर